तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, ये मतलब सुबह के 10 बजे के बाद का है ये, तो मैंने खाना वगैरह पहले जल्दी जल्दी बना लिया था, सिंपली खाना बनाना था इसीलिए। फिर क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ पूछिए मत। और अभी 11 बजे से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो चुका था, तो मैंने ये गुजिया का सामान लाए थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये सूजी को अच्छे से भून लिया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर ये इसे मैं चला देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। फिर उसी कढ़ाई में देखिए कहीं चिपक ना जाए, तो उसी में मैंने अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें जो ये खोआ था ना, इसे भी थोड़ा सा पिघला लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होते हैं। तो थोड़ा सा ही मतलब गर्म करना था, ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा मिक्स नरम पड़ जाए। और देखिए इसे मैं तोड़ रही हूँ, और अभी गर्मी है ना, तो उससे भी थोड़ा सा मतलब जल पिघल जाएगा जल्दी। तो इसे अभी मैं फिर इधर देखिए, ये चीनी था तो चीनी को भी मैं मिक्सर में थोड़ा सा, एक दो ज़्यादा नहीं लगेगा, बस एक ही बार घुमाऊँगी तो वो पीस के एकदम वो हो जाएगा पूरा पतला आटे की तरह। तो बस उसके बाद देखिए ये मावा मेरा हो गया था, तो उसी में मैंने चीनी जो पीस के रखा हुआ था ना, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया, और ये काफ़ी टाइट हो गया हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही करना है। तो ये थोड़ा सा गिल्ला रहेगा ना, तो भरने में और वो जो गुजिया का जो होता है ना, तो उसको बनाने में बहुत आसान होता है। और टाइट होने से क्या ना, टूटने का डर लग जाता है। तो ये देखिए मैंने फिर ये टाइट हो ही जाएगा, तो अभी मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। खोया देखिए अभी भी मिला नहीं था, तो ये अभी थोड़ा मैंने उधर रख दिया, ये घुल जाएंगे। और ये देखिए ये नारियल जो है ना, ये मैंने घर में ही एक कच्चा नारियल था जो 3-4 महीने पहले से पड़ा था, तो ये काफ़ी रखे रखे वैसे देखिए पूरा सूख गया था, तब मैंने उसे तोड़ के निकाला था, ये घर का ही बना हुआ है देखिए। फिर इसे मैं काट लेती हूँ, तो इसे चाकू से ही काट लूँगी। देखिए मैंने है ना ये मावा को और थोड़ा सा सूजी को भून लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स है ना वो काट लिया मैंने, ये काजू और ये किशमिश है और ये नारियल है। तो इसे ज़्यादा नहीं डालना मुझे, बस इतना ही डालना, इसे छोटे छोटे और मुझे अभी करने हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना, जैसे मुँह में आते हैं तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसे अभी और महीन करूँगी। अगर घिसूँगी ना तो पूरा ही वो हो जाएगा, तो ज़्यादा ही महीन हो जाएगा, इसीलिए इसे चाकू से ही मुझे वो करना है। और अभी मुझे मैदा भी लगाना है, तो चलिए आगे का काम मैं करती हूँ अपना। तो फिर उसके बाद देखिए, वो तो मैंने उधर मिला के रख लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैदा मैंने ले लिया है, करीब 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 1 kg था, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल के साइड कर दिया है, और लगेगा तो और ले लूँगी, लेकिन देखा मैंने इतना काफ़ी है। तो इसमें मोइन जितना अच्छा से आप मिलाओगे ना, तो उतना अच्छा होगा। फिर इसमें भी मैंने दूध का ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, और मोइन मैंने अच्छा से दे दिया है इसमें, और इसमें थोड़ा सा दूध जो गर्म है तो थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया था, और जो इसमें भरूँगी ना मिक्स करके, तो वो खोआ सूजी में थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गरम पानी करके मैंने रखा हुआ था, तो ज़रा ज़रा ऐसे ही लूँगी तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो इसे देखिए मतलब इसे जितना मथेंगे ना हम, तो उतना अच्छा से ही होगा। तो उसके बाद देखिए ये अभी टाइम हो गया है, 1 बज रहा है, और उसके बाद देखिए ये अच्छे मतलब मैंने बेल के भरना शुरू कर दूँगी अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, तो इतना ज़्यादा गर्मी में ना ये करना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए एक दो भर के दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, काफ़ी गर्मी है। और ये देखिए ये सांचा था, तो इसी से मैं बनाऊँगी, फिर इसे बंद करके दिखाऊँगी आपको अभी मैं। तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है इसे मतलब चिपने में, क्योंकि ये फूल ना जाए इसीलिए अच्छे से पैक करना पड़ता है, इसे किनारे से एकदम दबा के हाथों से, फिर इसके बाद धीरे से खोलना पड़ता है दोनों साइड से ताकि ये फट ना जाए।
मर्जी से होली खेलो होली। ये देखिए, ये फोचूरा का पैकेट है तेल ऑयल का, तो मैं इसी से फ्राई करूँगी। मैं तो इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल गरम होने के लिए, और ज़्यादा गरम नहीं करना है, जैसे थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इसे डाल दूँगी। एक बार आंच को आप तेज़ कर लीजिए, फिर धीमे आंच कर दीजिए। अगर ज़्यादा आँच करके बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल जाएगा, और हल्के आँच, एक बार गर्म रहेगा ना फिर हल्का भी कर देंगे ना तो ये वैसे तो पतला ही होता है, और अंदर का भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी तो बना हुआ ही है। तो बस इसे हल्के ही तेल आँच में ही फ्राई करना था, और अभी तेल ना मेरी काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो बस मैं इसे डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उधर देखिए, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे इतने सारे बदमाशी कर रहे थे ना, इसलिए मैंने दरवाज़ा को बंद कर दिया है। और वो लोग बार बार ऐसे नहीं बंद करूँगी ना तो भीतर आके बदमाशी गिरी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इधर में टल भी रही हूँ और उधर देख भी रही थी कि कहीं वो लोग बदमाशी ना करें, और मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके ऐसे अच्छे से सारे भुजिए को इस कढ़ाई में ही तल तल के रखना है। और ये बच्चे बार बार दरवाज़ा को खोल के भाग जा रहे हैं बाहर से, और मैं बंद कर रही हूँ और वो खोल के भाग जा रहे हैं। चेन गेट लगा हुआ है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो बदमाशी करते ही रहेंगे। और मैं ये कढ़ाई तेल का काम कर रही हूँ ना, तो इसमें डर भी लगता कहीं आगे वो लोग। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे फ्राई कर चुकी हूँ, और अभी एक दो बार और करूँगी तो बस हो जाएंगे मेरे, मतलब थाली में जो भरे हुए हैं ना, तो एक बस वो थोड़े से ही मैंने अभी तले हैं, थोड़े से और है, 2-3 प्लेट और है, तो बस वो भी तल लूँगी। अभी देखिए, जब वो सब मैंने निपटा लिया, तो उसके बाद देखिए, ये शाम का टाइम हो चुका था, तो मुझे याद आया कि आज तो होलिका दहन भी है, तो हम लोग ये हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं ये। तो आज हर साल मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, लेकिन इस साल दूसरे तरीके से कर रही हूँ। ये आटा और दही, मतलब बेसन और दही है मतलब, और हर साल तो वो सरसों पीस के करती थी, लेकिन आज मैंने बहुत टाइम हो गया था तो यही कर लूँगी, और इसी को होलिका में जलाना था। तो ये अभी देखिए, यहाँ पे होलिका अच्छे से ये लोग तैयार करके रख दिए थे, तो मैं
थोड़ा सा क्लिक लेके, मतलब बोला था मैंने इन लोगों को कि थोड़ा सा क्लिक ले लो जाके, और वैसे तो ये अभी नहीं जलाएंगे, इन इसका पूजा हो गया है, बस ये आज 12 बजे 1 बजे के बाद ही होगा रात में, तो बस ये अभी थोड़ा सा मैंने ले लिया है, आगे का मैं देखूँगी बाद में। तो देखिए कितना अच्छा से ये लोग सजा दिए हैं, और फिर अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, तो मैं ये अपना जो अभी सुबह मॉर्निंग हुआ ना ये तब का, और देखिए कल होलिका है ना, दहन हो चुका था, तो ये उसी का मतलब वो जो राख होता है ना जला के, तो वही लाए थे सुबह। और अभी मैंने पूजा वगैरह सारे कर लिए हैं, और भोग भी, कल भोग भी नहीं लगाई थी मैं, दोपहर में बनाया था ना, तो अभी भोग ऊपर लगा दिया मैंने, ये गुजिया जो कल मैंने बनाया था। और चलिए अभी ये टीका लगा लेते हैं, और बाकी कोई बात नहीं, और बाकी बाद में लगा लेंगे जो नहा के अभी आएंगे तब ये। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।